जी आपसे एक बहुत अहम सवाल है। अभी मैं कल परसों एक गाड़ी लेके निकल रहा था तो कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पे डोनेशन मांगने लग रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों को इस टाइम कॉलेज में होना चाहिए और आप ये डोनेशन मांगने लग रहे हैं, तो क्या है कि मतलब सरकार ने क्या करना चाहती है? जैसे 13.63 है वो भी लागू कर दिया, सवर्ण समाज को आरक्षण देना है वो भी लागू कर दिया, SC ST OBC लोग कितना भी हल्ला मचा रहे हैं लेकिन काम वही हो रहे हैं जो सरकार चाह रही है, तो इसका असर कहाँ पे SC समाज या ST समाज पे पड़ेगा या BJP गवर्नमेंट को भी इसका असर देखने को मिलेगा? अरे सरकार तो ये रोजगार विरोधी और नौजवान विरोधी है जी। पिछले 4 साल में ये बताइए दिल्ली विश्वविद्यालय में कितने कॉलेज खुले हैं जी, पॉपुलेशन बढ़ा है, अभी तक मोदी जी 125 करोड़ ही कह रहे हैं जी, 125 करोड़ ही कह रहे हैं जी। तो ये 5 साल में भारत का पॉपुलेशन नहीं बढ़ा जी, 125 करोड़ उस समय भी था क्योंकि 125 रुपया दक्षिणा वाली आदत इनकी पड़ी हुई है, तो 125 से आगे बढ़ेंगे ही नहीं। भारत की पॉपुलेशन 1,35,00,000 हो गई जी। कितने स्कूल कॉलेज खोले हैं, तो छात्रों को तो इन्होंने सड़क पर ला ही दिया है, तो किसी का इन्होंने भला नहीं किया है। कुछ साधु जहाँ पे साधु को पेंशन मिले 2,000 और किसान को पेंशन मिले 500 और लाइब्रेरी का फंड कट हो, तो सरकार की मंशा क्या है स्पष्ट हो समझ लेना चाहिए। इसमें कुछ अब छुपी हुई बात थोड़ी है, जन विरोधी है, नौजवान विरोधी है, बेरोजगार विरोधी है, सबका विरोधी, खाली कुछ पूंजीपति और कुछ जो है जनऊ लीला वाले लोगों की सरकार है, इसीलिए चुनाव में हम लोग तो कैंपेन इनके खिलाफ करेंगे। हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।